बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे और हम लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए पड़ोसन आए हैं। जस्ट मैं बहुत पहले आई थी ना तो बहुत मतलब अलग था और अभी तो बहुत सारा चेंज हो गया, तो पार्टी के लिए तो बहुत मस्त जगह है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट दिखाते हैं कि कैसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और क्या क्या यहाँ अलग अलग चेंज हुआ है। तो चलिए गर्ल जो भी विश फोन में बिजी है और इधर है कुछ लोकेशन, तो चलो मैं अंदर से दिखाऊंगी फिर एक एक करके दिखाऊंगी कि सबको कैसे कैसे रेडी होके आए हैं। ये है इसका एंट्री रांची मेरी जान। बहुत सारा तो मैंने शूट नहीं किया, फटाफट मैं रेडी होके आ गई, तो अभी फिलहाल पहुंची हूँ यहाँ पे और इसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ। एंट्री के साथ यहाँ पे वॉश मशीन और यहाँ पे है बहुत सारे कुछ लिखे हुए, फूड एंजॉय स्वैग बीच। तो रात का कुछ ऐसा सीन है, तो बहुत सारा चेंजेस हो चुका है। जब मैं कॉलेज टाइम पे आई थी तो कुछ भी नहीं था, अभी तो बहुत कुछ चेंज कर दिया गया, हर कॉर्नर को थोड़ा यूनिक कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे स्कूटर को यूज कर दिया गया है, यहाँ पे ये फोन का। तो चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं, यहाँ नाव है, इधर पे भी आप बैठ के अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। करता दिखा रही है और ये सुंदर सा यहाँ पे नाव, मतलब अलग ही सब चीज का नजारा हो गया। अब यहाँ पे भी शायद सिटिंग अरेंजमेंट है खाने पीने का, मतलब हर सेक्शन को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया और अलग अलग लुक दे दिया गया है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। ओ वाह, यहाँ पे पूरा टोकरी से बनाया गया है और नीचे पूरा बालू है, ऐसा कुछ इसका लुक। मैं कुछ ऐसे लग रही हूँ आज। हाँ सब निकलते हैं, ये सेक्शन को भी मैंने दिखा दिया। यहाँ उसके ऊपर पुआल के नीचे बैठ के आप खाना खा सकते हैं। और चलते हैं अब शिखा का जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट होगा, जहाँ डेकोरेशन हुआ है वो दिखाने के लिए। तो CK7 डेकोरेशंस वाले बहुत अच्छा डेकोरेट किए हैं, तो मैं दिखाती हूँ। तो ऐसा कुछ है शिखा का बर्थडे डेकोरेशन। चलते धीरे धीरे ऊपर। बुके पड़ोसन का सिर्फ बर्थडे मनाने के लिए प्रॉपर बॉक्स बॉक्स भी लगा दिया गया है यहाँ पे, और आप यहाँ पे एकदम मस्त वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। खटिया लगा हुआ मस्त, रात में गर्मी के टाइम मस्त बाहर पे ढाबा जैसा बैठ के आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अभी रात में थोड़ा सा लाइट ब्लिंक कर रहा है। सुंदर से तो फाउंटेन मस्त पानी का आवाज आ रहा है, फुट का कुआं बना हुआ है, मतलब कुआं का शेप ओरिजिनल दिया गया है बट ऐसा दे दिया गया गांव वाला फीलिंग लाने के लिए। और चलते हैं अभी तक कैनोपी साइड में, और इधर पे ऐसा कुछ कैनोपी बना हुआ है। रात में लाइट इतना ज्यादा ब्लिंक कर रहा है कि प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है। और ये मस्त हाथ बना दिया गया है, जैसे लग रहा है हाथ के ऊपर ही पेड़ रखा हुआ है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है, देख सकते हैं। बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ये, और इधर बैलगाड़ी।
गंदा हो रहा हाथ। इधर देख के केक कट हो चुका है।